सबसे पहले आज इस गौशाला की पवित्र भूमि को नमन करते हुए और आज के इस विशाल जागरण में आए हुए मेरे बुजुर्ग बहन जवान साथी, गंगा के स्मरण पवित्र हमारी मातृशक्ति, देश के भविष्य प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, मंच पर उपस्थित सभी कलाकार संगीतकार, हमारे साउंड मास्टर जी और हमारे कैमरामैन जी और यहाँ पे आए हुए अतिथिगण, सभी को इस दीपा चौधरी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आइए धन्यवाद करती हूँ समस्त गौशाला कमेटी का, समस्त ग्राम वासियों का, कि जिन्होंने हम नाचीज कलाकारों को और हमारी छोटी सी पार्टी को आप सभी के बीच में कुछ कहने में कुछ सुनाने का मौका दिया। क्योंकि गौशाला के प्रांगण में बैठे हैं तो सबसे पहले गौ माता का जोरदार जयकार लगाएंगे, बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करके। कौन कौन मानता है गौ माता को? सभी मानते हैं तो बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करेंगे गौ माता के लिए, बिल्कुल सीधे हाथ। जो हाथ खड़े नहीं करेगा उसके गौ माता की कसम है। आइए, हमारे जो आज के कार्यक्रम के संचालक हैं उन्होंने आदेश दिया हम लोगों को, हम नाचीज कलाकारों को, क्योंकि आज ये कार्यक्रम एक जागरण है गौ माता के उपलक्ष में हुआ, कि हम कलाकारों का भी फर्ज बनता है कि गौ माता के बारे में आप सभी को कुछ बताए, अच्छे अच्छे भजन सुनाए, अच्छे अच्छे उपदेश सुनाए। तो आइए सबसे पहले एक भजन गौ माता के चरणों में की बताया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये करने से गौ हत्या बंद हो जाएगी, वो करने से गौ हत्या बंद हो जाएगी, लेकिन जब तक आप अपने मन में ठानोगे नहीं, जब तक गौ हत्या बंद नहीं हो सकती। तब तक आप ये नहीं सोचोगे कि हम गौ माता को अपनी माँ समझते हैं, माँ कहते हैं गौ माता को, लेकिन जो बेटे हो गए वो बेटे खुद ही गौ माता की हत्या करते हैं, तो फिर कहाँ से माँ बच जाएगी। आइए, किस तरह से लिखा कवि ने इस रागनी में, इस भजन में, कि गौ माता की हत्या कैसे बंद हो सकती है, आइए सुनते हैं। किस तरह से क्या लिखा, आइए इस भजन के माध्यम से। हेलो, धन्यवाद। और किस तरह से कवि ने लिखा कि गौ हत्या कैसी बंद होगी, कोई बात नहीं, नया नया संगीत है तो थोड़ा सेटिंग करने में टाइम तो लगता है। ये हमारे नरेश सोरान भैया भी नए नए लाते हैं तो कैसे सेटिंग बैठेगी है, फिर भी कोशिश करेंगे। आइए, कैसे क्या लिखा, अरे गौ हत्या न बंद होने की, अरे खाली जय जयकारों से, मेरे शास्त्र छोड़े एक शस्त्र ठालो, टकराओ Thank you.
आगे नहीं आते, कैसे क्या लिखा। Thank you.
क्या बंद हो, सभी चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगी जैसे आप चाहते हैं। कैसे होगी? अगर गौ हत्या बन चाहते हो तो क्या करना होगा आप सभी को, आइए जरा गौर से सुनना। जरा Yeah.